नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे फास्टैग के बारे में कि आज रात से फास्टैग कंपलसरी हो जाएगा सारी गाड़ियों में, अगर नहीं लगेगा तो क्या होगा। और साथ ही सेकंड जो टॉपिक देखेंगे हम सीएनजी ट्रैक्टर के ऊपर देखेंगे। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आज रात से अगर किसी गाड़ी में फास्टैग नहीं है, वैसे फास्टैग क्या होता है? फास्टैग होता है कि आप अगर अपने गाड़ी में लगाए हुए हैं तो रेस के जरिए ऑटोमेटिकली टोल में आपका पेमेंट हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपका समय भी बचता है और साथ ही कैश देने का झंझट नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर आपकी गाड़ियों में फास्टैग नहीं रहेगा तो आपको डबल टोल देना पड़ेगा, यानी 100 रुपये है तो 200 रुपये देना पड़ेगा। आज हम बात करते हैं फास्टैग के सेंसिटिवनेस की कि कितना सेंसिटिव है, और साथ ही हम देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट जो डबल रेट ले रही है वो सही है। देखिए, सबसे पहले धीरे धीरे जब हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, तो हम नई नई चीज़ को अडॉप्ट करते जाते हैं क्या, लेकिन हमें प्रेशराइज करके उसे अडॉप्ट करने पड़ेगा। हम उसके कम्फर्ट, जैसे कंप्यूटर, आज अब सबके पास कंप्यूटर है या किसी पे हम काम करते हैं तो हमने समझा उसकी महत्व को, कोई कंपलसरी हम पे नहीं किया गया। उसी तरीके से अगर कैश अमाउंट इंडिया में चलता है और साथ ही डिजिटल पेमेंट भी चलता है तो दोनों वैलिड होने चाहिए, जबकि गवर्नमेंट जस्ट डबल फाइन लगा रही है, जो कि थोड़ा मुझे लगता है कि गलत है। जबकि ऑलरेडी 90% लोगों के पास आपका फास्टैग हो चुका है। जी हाँ, फास्टैग बिल्कुल अच्छी चीज़ है, मैं बहुत पहले से फास्टैग को रखा हुआ हूँ, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक ऐसे हैं कि जिस तरीके से हमें लगता है कि फास्टैग होने से हमारी गाड़ी स्मूथ तरीके से टोल प्लाजा से निकलती है, निकलती तो है एज़ कम्पेयर टू आप कैश देते हैं या कार्ड पेमेंट करते हैं, उसके कंपेयर में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको 5 से 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड रखनी पड़ती है। कई बार गाड़ी रोकना पड़ता है और आगे पीछे बैक करना पड़ता है, क्योंकि जो सेंसर है वो आपका जज नहीं कर पाता, जिससे आपका पेमेंट डिडक्ट नहीं होता और जो बूम बैरियर है वो खुल नहीं पाता। तो ये वजह, ये समस्या आ रही है। फास्टैग को भी ज़रूरी है कि वो बहुत सेंसिटिव हो ताकि लोगों का टाइम अच्छा खासा बच जाए। हालांकि गाड़ी कई बार ऐसा होता है कि बिना रुके ही धीरे धीरे करके निकाला जा सकता है, लेकिन इसको देखते हुए गवर्नमेंट अगर ये बोले कि नहीं आकर आप कैश अमाउंट यूज़ करोगे तो आपको डबल देना पड़े, ये सही नहीं। ऑलरेडी आपका कैश लेन है, कैश लेन में आपको ऑलरेडी आपको वेट करना पड़ता है, जो अपने आप एक सज़ा के बराबर होता है। मान लीजिए 5-6 टोल पे आपको जाना पड़े तो भी आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी जो पर्सन है वो लगा ही लेगा कभी ना कभी, लेकिन डबल फाइन लेके अगर आप सोच रहे हैं तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। उसी तरीके से जो सेकंड न्यूज़ है वो है आपकी सीएनजी ट्रैक्टर के ऊपर। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी के यूट्यूब चैनल में आया कि ये सीएनजी ट्रैक्टर आपका इंडिया में फर्स्ट रहेगा। इसकी खासियत क्या रहेगी? उन्होंने ये बोला कि 57% जो है आपका जो इसमें फ्यूल में खर्चा होता है वो कम होगा, जो डीजल के ट्रैक्टर होते हैं इससे ये काफ़ी सस्ता रहेगा, 57% आपका कंजप्शन कम होगा। और साथ ही पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी बात की कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होगा, उस वजह से जो पर्यावरण में है आपका प्रदूषण नहीं होगा। तो अब इस चीज़ को भी धीरे धीरे करके जो फार्मर हैं वो शिफ्ट होंगे, लेकिन क्या आप बोलेंगे उन्हें कि फ़ाइन लगा के या ज़्यादा चार्जेस करके उन्हें उस पर शिफ्ट किया जाए? किसी चीज़ को फोर्स नहीं किया जाता, उसकी जो धीरे धीरे करके जब हमें समझ में आता है उसका महत्व, तब हम उसको उस चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे आज आप देखेंगे, आज कंप्यूटर पर ज़्यादातर काम होता है तो हम धीरे धीरे करके उसमें शिफ्ट हुए। उसी तरीके से फास्टैग के मैटर में भी यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरीके से फ़ाइन लगाना थोड़ा गलत लगता है मुझे, साथ ही फ़ाइन लगाए भी तो उसमें से 10% 20% ही लगाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।